हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एरोटिक आर्क का डेवलपमेंट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेनली दो प्रिमिटिव अरोता होता है, फॉरगेट के आइदर साइड। मतलब मान लीजिए हमारा फॉरगेट है, ठीक है, इसके दोनों तरफ हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव अरोता होता है। जो इस साइड होता है एंटीरियर साइड, उसको वेंट्रल पाथ बोलते हैं, और जो पीछे में होता है उसको डॉर्सल पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक देखिए, ये क्या है, वेंट्रल पाथ है, ये है डॉर्सल पाथ। तो दोनों के बीच में क्या हुआ है, कनेक्शन हुआ है। तो इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे, इस कनेक्शन को एरोटिक आर्क बोलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेनली दो प्रिमिटिव अरोता होता है फॉरगेट के दोनों साइड। जो एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है उसको वेंट्रल अरोता कहते हैं, जो पीछे में पाया जाता है उसको डॉर्सल अरोता कहते हैं, और दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको एरोटिक आर्क कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो अरोता, प्रिमिटिव अरोता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक में तीन पाथ होता है। प्रत्येक में तीन पाथ कहने का क्या मतलब है कि जो अरोता है ना, आप जब मेरा पिछला वीडियो पढ़ रहे होंगे फेरिंजियल आर्क, उसमें आप देखे होंगे कि जो मेरे अरोता है वो पास करता है किसके द्वारा, तो फेरिंजियल आर्क के द्वारा। पिक्चर दिखाती हूँ, जैसे कि हमारे अंदर कितने फेरिंजियल आर्क्स होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4 और 6। जो 5 होता है वो क्या हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है। तो इन्हीं के बीच में मेरी एरोटिक आर्क का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कह रहा है, स्टार्टिंग में जो फरिंजल आर्क होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें पचमा डिजनरेट कर जाता है। वैसे ही जो कार्दिक या एरोटिक आर्क होते हैं वो भी 6 होते हैं, जिसमें उनका पचमा क्या होता है, डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो वेंट्रल अरोत आर्क है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, ट्रंकस आर्टरियोसस के साथ, और फॉर्म करेगा एरोटिक सैक। अगर आपको ट्रंकस आर्टरियोसस याद नहीं है, तो जब आप डेवलपमेंट ऑफ हर्ती पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे, ऊपर वाला होता है आर्टेरियलिन, नीचे वाला होता है वेनसिल। आर्टेरियलिन में सबसे ऊपर जो पाया जाता है उसको बल्बस कॉर्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्बस कॉर्डिस। और इसका बल्बस कॉर्डिस को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, प्रॉक्सिमल वन थर्ड, कोनस, और ऊपर वाले को क्या कहते थे, ट्रंकस और ट्रिएसस, जिससे मेनली परमोली ट्रंक और अरोता का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो हमारा वेंट्र अरोतिक आर्क है ना, वही इसी ट्रंकस और ट्रिएसस से आके जाके फ्यूज कर जाता है और फॉर्मेशन करता है एरोटिक सैक का। और जो अनफ्यूज पाथ होता है वेंट्रल अरोता का, वो मेनली राइट और लेफ्ट हॉर्न ऑफ एरोटिक सैक का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए ये क्या हो गया, फ्यूज पाथ है और ये अनफ्यूज पाथ है। तो अनफ्यूज पाथ किसका डेवलपमेंट किया, राइट और लेफ्ट हॉर्न का। ठीक है, अब जैसे जैसे फेरिंजियल आर्क डेवलप करेगा वैसे वैसे कम्युनिकेशन होते जाएगा वेंट्रल और डॉर्सल एरोता में, किसके थ्रू, तो फेरिंजियल आर्च के थ्रू। ठीक है, अब जो हमारा डॉर्सल एरोता है वो देखिए राइट साइड है और लेफ्ट साइड दोनों तरफ है, किसके, तो फेरिंजियल आर्च के। देखिए ये हमारा फेरिंजियल आर्च के, इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ क्या होता है, डॉर्सल एरोता प्रेजेंट होता है। ठीक है, आफ्टर द फेरिंजियल आर्च क्या कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये राइट और लेफ्ट डॉर्सल अरोता जा रहा है, लेकिन जहाँ पर फेरिंजियल आर्च ख़त्म होता है वहाँ पे ये डॉर्सल अरोता क्या करता है, फ्यूज कर जाता है और एक सिंगल डॉर्सल अरोता बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं रीजन सप्लाइड ऑफ एरोटिक आर्च। तो कौन कौन सा रीजन सप्लाई होता है एरोटिक आर्च में, तो जैसे कि फेरिंजियल आर्क कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक पाथ में, वैसे ही जो हमारा ब्रांचेज होता है एरोटिक आर्क का वो सप्लाई किया जाता है हेड और नेक के द्वारा, और जो डॉर्सल आर्क होता है वो सप्लाई करता है रेस्ट पाथ को।
ठीक है। तो एरोटिक आर्क के ब्रांचेस किसको सप्लाई करते हैं? हेड एंड नेक को। और डॉर्सल एरोटा किसको सप्लाई करता है ब्लड? तो पूरे बॉडी को। अब डेरिवेटिव देखते हैं एरोटिक आर्च का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड एरोटिक आर्च। ये फर्स्ट और सेकेंड एरोटिक आर्क है ना, वो डीजनरेट कर जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये रह जाता है। और जो फर्स्ट एरोटिक आर्क है उसको वो क्या का फॉर्मेशन करता है? मैक्सिलरी आर्टरी का। जो सेकेंड एरोटिक आर्क है वो फॉर्मेशन करता है हायड का और एस्टेपीडियल आर्टरीज का। फिर से ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड ये एरोटिक आर्क है, ये मेनली डीजनरेट कर जाता है, लेकिन अगर इसका रेमनेंट बच जाता है तो फर्स्ट एरोटिक आर्क से मैक्सिलरी आर्टरी और सेकेंड एरोटिक आर्क के रेमनेंट से मेनली हायड एंड एस्टेपीडियल आर्टरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ। जो हमारा थर्ड और फोर्थ है ना, वो मेनली ओपन होता है वेंट्रल एस्पेक्ट में, और जो हमारा सिक्स्थ है वो ओपन होता है डोर्सल एस्पेक्ट में। जो हमारा थर्ड और फोर्थ बच गया था वो आगे की ओर ये ओपन होता है, और जो हमारा सिक्स्थ है वो पीछे की ओर ओपन होता है। ठीक है, तब अब आते हैं थर्ड आर्क में। जो थर्ड आर्क है ना, वहाँ पर मेनली क्या होता है, एक बद का डेवलपमेंट होता है, मतलब एक बद मेनली ऊपर की ओर जाता है। किधर? ऊपर की ओर जाता है, और इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब देखिए बाकी जो पोर्शन बच गया थर्ड आर्क का डिजिटल पार्ट, वो क्या कहलाता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब फोर्थ आर्क में आते हैं। फोर्थ आर्क में क्या होता है? राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड क्या होता है? सेवन सिगमेंटल आर्टरी आता है और मिलके बनाता है सबक्लेवियन आर्टरी। राइट साइड में क्या होता है? सेवन्थ इंटर सिगमेंटल आर्टरी आता है और मिलके बनाता है सबक्लेवियन आर्टरी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए राइट साइड में क्या होता है, सेवन्थ इंटर सिगमेंटल आर्टरी आकर कनेक्ट होता है डॉर्सल एरोटा से, जो कंटिन्यू करता है फोर्थ आर्क से, और गिव राइज टू सबक्लेवियन आर्टरी। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में जो सेवन्थ इंटर सेगमेंटल आर्टरी है ना, वो सिर्फ डॉर्सल एरोटा से फ्यूज करता है और बनाता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो आर्क ऑफ एरोटा है वो मेनली बनता है फोर्थ एरोटिक आर्क से। कहे थे ना कि लेफ्ट साइड में फ्यूज नहीं करता है, वही बनाता है बाद में जाकर आर्क ऑफ एरोटा। जैसा कि हमें पता है एरोटा में मेनली तीन ब्रांचेज होते हैं, कौन कौन सा? तो ब्रैकियोसिफेलिक, कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक जो है वो मेनली एराइज होता है राइट हॉर्न ऑफ एरोटिक आर्क से। तो राइट हॉर्न ऑफ एरोटिक आर्क कहाँ पर है? देखिए ये क्या था, एक मिनट बड़ा कर देती हूँ पिक। ये था क्या था, सैक बना था, ये राइट हॉर्न था, ये लेफ्ट हॉर्न था। तो मेनली यही राइट हॉर्न से क्या का डेवलपमेंट होता है? ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी का। ठीक है, सॉरी ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक का, जो बाद में जाकर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी एराइज करती है। ठीक है, एरोटा मेनली एराइज होता है एरोटिक सैक से और लेफ्ट हॉर्न ऑफ एरोटिक सैक से और फोर्थ एरोटिक आर्टरी से। चलिए पिक्चर में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ और यहाँ पर क्या होता है, एरोटिक सैक। यही दोनों मिलके क्या का फॉर्मेशन करता है? हमारा एरोटा का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से फॉर्मेशन करता है कि हमारा जो तीन को आर्टरी निकल रहा है मेन, कौन कौन सा? ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, सबक्लेवियन और कैरोटिड, तीनों क्या आ जाए? लाइनिंग से आ जाए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो राइट डॉर्सल एरोटा है ना, सेवन बाद में डिसअपियर हो जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, रह जाता है, और यही बाद में क्या को राइज करता है? डिसेंडिंग एरोटा को। मतलब कि पिक्चर में आते हैं, बाद में ये वाला जो एरोटा है ना वो क्या होता है, डिसअपियर कर जाता है, लेकिन ये वाला एरोटा परसिस्ट करता है और ये बाद में जाके
डिसेंडिंग अरोता को ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राय दफ्तर अरोता बाद में डिसअपियर हो जाता है सेवन सेगमेंटल पॉइंट के पास से, लेकिन लेफ्ट साइड वाला परसिस्ट करता है और वो गिव राइज देता है डिसेंडिंग अरोता को। वी ऑलरेडी हैव असेंडिंग अरोता फ्रॉम द ट्रंकस आर्थ्रियोसस। तो आप पूछेंगे कि ये जो डिसेंडिंग तो बन गया, ठीक है, तो असेंडिंग कहाँ से बनेगा? तो अभी आपको जब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब बता रहे थे, तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो आल्ट्रियर इन था, उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको बल्बस कॉल्डिस कहते हैं, बल्बस कॉल्डिस का तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, प्रॉक्सिमल वन था, कोनस, और ऊपर वाला का क्या नाम था, ट्रंकस आल्ट्रियोसस। यही ट्रंकस आल्ट्रियोसस मेनली बीच में सिगमेंट फॉर्म करके दो, एक अरोता बनाता है और एक पल्मोली ट्रंक। तो यहाँ पर जो अरोता बनता है उसको कहते हैं असेंडिंग अरोता, और डिसेंडिंग किससे बनता है, तो लेफ्ट साइड में जो डॉर्सल मेसेंट्री, सॉरी डॉर्सल मेसेंट्री नहीं, डॉर्सल जो रह जाता है वो बनाता है किधर, लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग अरोता। ठीक है, अब सिक्स आर्क का क्या होगा? सिक्स आर्क में भी एक बड डेवलप्ड होगा, ठीक है, वो बाद में क्या बनाएगा, तो लंग बनाएगा। तो उस लंग को मेनली जो वो सिक्स जो आर्क है वहाँ पर जो बड डेवलप्ड होता है वो मेनली आपको किसको ड्रेन करेगा, लंग को ड्रेन करेगा। तो कौन सा ट्रंक बनेगा वहाँ पे, या कौन सा आल्ट्री, तो पल्मोनरी आल्ट्री। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो लेफ्ट आर्क होता है, सिक्स आर्क होता है, वो डिसअपियर कर जाता है, और जो राइट साइड वाला है वो कनेक्शन करता है डॉर्सल अरोता से और फॉर्म करता है डक्टस आल्ट्रियोसस। चलिए अब देखते हैं क्लिनिकल यूज। सबसे पहले जो बनता है उसको कहते हैं कोरेक्शन ऑफ अरोता। इसमें क्या होता है, सेल फ्रॉम डॉर्सल आल्ट्रियोसस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डॉर्सल अरोता इफ मूव क्रैनियली कॉल्ड प्रीडक्ट, इफ कॉडल कॉल्ड पोस्ट डक्ट, इन विच अरोता बिकम नैरो। कह रहा है कि जो डक्टस आल्ट्रियोसस है वो मूव करने लगता है किधर की ओर, तो अरोता की ओर। ठीक है, अगर क्रैनियली मूव करेगा तो उसको कहेंगे प्रीडक्टल, लेकिन कॉडल मूव करेगा तो उसको कहेंगे पोस्ट डक्टल, जिससे क्या होता है, हमारा नैरो जो अरोता होता है वो नैरो हो जाता है। अगर राइट साइड वाला भी प्रसिद्ध, जैसे कि डॉर्सल जो अरोता था, ये जो डॉर्सल अरोता था इसमें क्या था, राइट इधर है लेफ्ट है, राइट साइड वाला क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला रहता है और डिसेंडिंग अरोता का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर मान लो कि इधर राइट साइड वाला भी अगर ये डॉर्सल अरोता रहा तो क्या होगा, तब डबल अरोतिकार का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या क्लिनिकल है, तो इसके पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ सब क्लेवियन आल्ट्री। अगर राइट डॉर्सल अरोता परसिस्ट किया तब सेवन सिगमेंटल आल्ट्री से मिलेगा और वहाँ पर राइट सब क्लेवियन आल्ट्री का फॉर्मेशन करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है राइट फोर्थ सेक्स से, तो जिसके कारण क्या होगा, पोजीशन मेनली राइट सब क्लेवियन आल्ट्री का लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस सब क्लिनिकल एबनॉर्मिटीज है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।